हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और अभी तक आपने मेरा चैनल किया नहीं है सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा और वीडियो को कर देना लाइक। और अभी सुबह का समय हो रहा है और मेरा हो गया है ब्रेकफास्ट यहाँ पर रेडी। तो आज मैंने सैंडविच बनाई है और सैंडविच के लिए बड़ी ब्रेड नहीं बनी थी, मिली नहीं थी बड़ी वाली ब्रेड, तो छोटी ब्रेड से ही बना लिया। तो इतनी अच्छी नहीं लग रही है देखने में, बट खाने में काफ़ी अच्छी है। अभी टेस्ट की थी मैंने दक्ष के पास। और चाय है मेरी और मेरी सैंडविच है, तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता। नाश्ते करने के बाद आप लोगों से मिलूंगी। सो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, क्योंकि सही है, खाने में ठीक ठाक लग रही है। और बताइए, सारे फेस्टिवल्स अभी निकल गए हैं और मैं अपने डेली का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कि कैसे काम चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो आप बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। तो अभी मैंने बना ली है बहुत सारी रील और रील बना के कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई है, ऐसे हो गए हैं बाल, ऐसी हो गई। आज मैंने ये वाली साड़ी में बनाई है रील और अभी बज रहे हैं 12। अब जल्दी से जाती हूँ किचन में, खाना बनाती हूँ क्योंकि दक्ष शोर मचा रहा है, उसको लगी है भूख। तो मैं जा रही हूँ अभी किचन में खाना बनाने के लिए। और अभी सबसे पहले मैं साड़ी चेंज करती हूँ और फिर बनाती हूँ मैं खाना। और क्या कितने अच्छे से प्रेसिंग की थी बालों पे, वो सब बेकार हो गए ना, कभी इधर करो कभी उधर करो। और आप लोग ना जरा सी देर में ना कमेंट कर देते हो कितना गंदा सा डांस कर रही हो, कितना घटिया डांस कर रही हो, देहाती डांस कर रही हो। अरे भाई, नहीं आता है सब पे भाई, थोड़ा कोऑपरेट करो, ऐसे ऐसे कमेंट मत किया करो। थोड़ा सीख लूँगी डांस जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कर लूँगी डांस। पर इसमें है ना, वो मेरी एक आध फेवरेट है ना, वो हमेशा कमेंट कर देती हैं बिल्कुल दिल को जलाने वाली, प्लीज़ मत किया करो। देखो थोड़ा सा इनोसेंट सा चेहरा नहीं लगता आपको, प्लीज़ मत किया करो यार कमेंट, सच्ची में नहीं आता है डांस, सीख लूँगी। कोई काम ऐसा नहीं होता है कि जो ना आ पाए ना कर पाए हम लोग। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ। तो आप सब चलिएगा मेरे साथ मेरी रसोई में, मैं आती हूँ अभी आप लोगों से 5 मिनट के बाद मिलती हूँ बस साड़ी चेंज करके। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर जो है आज मैं गुनगुना रही हूँ यहाँ पर गाने, बिकॉज़ मैं अभी किचन में आने से पहले घर में गाने चल रहे थे तो मैंने वो गाने सुने, तो वही मैं गुनगुना रही हूँ। और खाना बनने की तैयारी होने लगी है क्योंकि ये लोग चाहे वैसे लेट खा ले खाना, बट संडे के दिन इन लोगों को जल्दी चाहिए, तो मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा था। बिकॉज़ मैंने सोचा था एक दो वीडियो शूट भी कर लूँगी और वीडियो के बाद फिर खाना, सारा घर का काम। तो सारा मतलब एकदम से, अब पहले तो ऐसा लग रहा था गर्मियों में, तो ऐसा लगता कि सर्दियां आएँ कि सर्दियों में ज़्यादा बेटर होगा। अब सर्दियां आने शुरू हो गई हैं तो दिन का समय कम हो गया है, तो एडजस्ट करने में इतनी मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा। स्कूल से आने के बाद समय ही नहीं बचता है बिल्कुल भी, ना तो रेस्ट करने का समय है ना वीडियोज़ बनाने का समय है। तो मतलब कुल मिलाकर इस चीज़ से मैंने एक चीज़ सोची है कि कभी भी कोई चीज़ मतलब मन मुताबिक नहीं होती है, बनानी पड़ती है, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। गर्मियों में टाइम बहुत है तो गर्मी इतनी बेनतहा होती है तो तब कुछ मन नहीं करता है करने का, तो कुछ ना कुछ हमेशा रहता ही है, सब चीज़ों को बस एडजस्ट करना होता है, चाहे वो वेदर हो, फैमिली हो या अपने आप को किसी चीज़ में, मतलब बस सिर्फ एडजस्ट 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 सिर्फ यही ज़िंदगी है। और करना भी चाहिए बिकॉज अगर एडजस्ट करने से ही सब कुछ अच्छा होता है, अगर परिवार है तो अगर एडजस्ट करने पर परिवार अच्छे से चलता है तो हमें वो भी करना चाहिए। और चलिए ये सब बातों का विराम देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैं बना रही हूँ अपनी किचन में कढ़ी। तो कढ़ी का एक तो दक्ष को बहुत मतलब फेवरेट है उसकी कढ़ी, और दूसरी बात ये है कि मन भी कर रहा था, लग रहा था कि बिल्कुल एकदम खाएंगे संडे के दिन, मतलब ताज़ी बनाकर एकदम से, मतलब वो गर्म करने के बाद वो मज़ा नहीं आता है फिर खाना खाने में। दोपहर को तो बस ऐसा लगता है बस कुछ मिल जाए, मतलब टेस्ट भी नहीं पता चलता भूख की वजह से। तो आज संडे है तो बना रही हूँ मैं कढ़ी, और फिर उसके बाद जो है फिर मैंने इसके बाद नहीं इससे पहले जो है मैंने शॉर्ट वीडियोज़ अपनी बना ली थी। मैंने घोल लिया है इसमें बेसन और सारा सामान डाल लिया। मैं इसमें ना धनिया वगैरह सभी चीज़ डालती हूँ, मतलब जितना मेरा मसालेदानी में होता है, ऐसा नहीं होता कि मैं कढ़ी में कुछ ना डालूँ, सब चीज़ डालकर मैं कढ़ी बनाती हूँ। तो फिलहाल मैंने इसमें डाल दिया है और इससे अच्छे से बेसन को कर लिया है मिक्स। और दक्ष बार बार आकर देख रहा है, उसको लग रही है भूख। ऐसे ज़्यादा देर नहीं हुई है, 12:30 बजे तो खाना खाना ही चाहिए, और स्कूल से आता है तब फिर 2:30 बजे खाता है, बट अब आज घर पर रहता तो उसको लगी हुई है टेस्ट भूख। बस बनने ही वाला है क्योंकि रोटी वो लेगा नहीं,
और यहाँ पर मेरा छोंक हो गया है कढ़ी का रेडी, और बस ये मेरा बेसन मैंने घोल ही लिया है। बस जल्दी से ये हो जाएगी तो फिर मैं इतने आटा भून के और दो तीन रोटी बना लेती हूँ और बस खाना हो जाएगा मेरा रेडी। कढ़ी चावल का अपना ही एक मजा आता है, इसलिए छुट्टी में मैंने बनाया। और हाँ, अब मैंने पहन लिए हैं वूलन कपड़े, क्योंकि अब सर्दी आ गई है, आप भी निकाल लीजिए। बहुत फीवर चल रहा है, थोड़ा बच के रहिए सब लोगों, अपने खान पान का अच्छा ध्यान रखिएगा। और कपड़ों का यार, कपड़ों की टाल मत करो, सब लोग निकाल लो अपने कपड़े। बहुत से लोगों ने निकाल ही नहीं है, अभी ठंडे ही पहन रहे हैं। अरे फिर तो गर्मी आ जाएगी, फिर नहीं पहने जाएंगे ये। तो सब अपने कपड़े निकाल लीजिए सब लोग। बस यहाँ बन जाएगी मेरी कढ़ी, और बस मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ आटा लगाने के बाद। ओके, और हुआ क्या है कि दक्ष को इतनी भूख लगी हुई है, वो मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा हो रहा है परेशान सा। एक तो उसको चावल, कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, एक तो वो वजह है कि कढ़ी बन रही है। दूसरी बात ये है कि घर पर है तो कुछ ना कुछ उसे खाने के लिए चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है कि जो मैंने कढ़ी बनाई है वो मेरी कढ़ाई में मतलब अच्छे से उबाल नहीं आ रहा था उसमें, तो मैंने दोनों चीज़ों में कर ली थी, इधर भगोने में भी और दूसरी साइड मैंने इंडक्शन पे कढ़ाई में कढ़ी बदकने रख दी थी। मतलब दो जगह उबाल आ रहा था कढ़ी में कि जल्दी मेरी बन जाए, चावल मेरे बन गए थे, अब मैं रोटी बना रही हूँ। तो विद इन 20 मिनट्स में मेरा खाना बन गया था, 20 मिनट्स में मेरा खाना बन गया था। और वो टाइम भी जो लगा था सिर्फ कढ़ी को, मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है उबाल जितनी आ जाए उसमें उतनी अच्छी लगती है, सिर्फ इस वजह से लेट हुआ था, अदरवाइज इतनी जल्दी मैंने आज खाना बना लिया था। और बस अब मैंने हैंड टू हैंड जो है काम करते हुए दक्ष को भी सर्व कर दिया है। मैंने कहा तुम भी खा लो, और अभी काविंदर जी कहीं पर चले गए थे, बस उनको भी कॉल कर दी है मैंने, वो आकर वो भी खा लेंगे और बस काम निपट जाएगा। क्योंकि खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है, सर्व करना, बार बार गर्म करना, इस चीज़ में ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो सब अभी खा लेंगे तो काम सारा निपट ही जाना है। और मेरी आपसे इन द लास्ट ये कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और बस ये बन गई है, मैंने सैलेड भी यहाँ पर पहले ही काट ली थी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो सो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और यहाँ पे रखी है मेरी प्लेट, ये है मेरी सैलेड, सैलेड में मैंने काटा है प्याज और मूली, और ये रही मेरी थाली, ये रहे मेरे चावल, रोटी एंड मेरी कढ़ी। दिख नहीं रही है, वो थोड़ा नीचे हो रहा है कैमरा, तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। वो कभी बोलें कि दिखा कुछ और रही हैं, खा कुछ और रही हैं। तो ये रही मेरी थाली, ये रही मेरी सैलड, और आप सब भी खा लीजिए। और थैंक यू फॉर इतना प्यार देने के लिए। और अभी आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक आप करना भूल जाते हैं तो सो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक। एंड थोड़ा वॉच टाइम भी बढ़ाओ यार, थोड़ा सा तो बढ़ाओ। बस आ गई हूँ मैं, बहुत नज़दीक आ गई हूँ, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू फॉर ऑल, ये सभी के सपोर्ट से हुआ है, क्योंकि सभी ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है फ्रॉम द स्टार्टिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। एक मेरे नए वो हैं सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम कुछ सुनील जी है, सुनील मतलब सुनील जी या सुनील कुछ, आगे मैं सरनेम उनका भूल गई हूँ। तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी वीडियोस पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, सारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। तो थैंक यू सुनील जी, अगर आप अभी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और आप सभी का थैंक यू है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं खा लेती हूँ खाना और व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ मैं अब, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा।